अच्छा, अरे भाई ये कैसी मन की बात है जो अभी तक इतने साल, कितने साल सरकार को, 9 साल हो गई, 9 साल में ये मन की बात अभी हुई नहीं। भाई ये कैसा मन की बात है मुझे बताओ तो सही, वो कौन सी मन की बात है जो 9 साल में अभी तक मन की बात पूरी नहीं हुई है। जैसे गाय के मुँह में भेड़िए बैठ जाते हैं खलरा में, उस तरह से ये बाना पहन के और भेड़िए बैठे हुए हैं। कौन भेड़िया है? अरे यही बीजेपी वाले लीडर्स जो, हाँ खेल मंत्री के बाप की सरकार है, खेल मंत्री के कहने पे धन्ना हट जाएगा, तुम जेल जाओगे, खेल मंत्री नहीं, खेल मंत्री के बाप सही तुम। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ देख पाएंगे आप आंदोलनकारी किस तरह से आए हुए हैं, लगातार महिला पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हैं जो राजस्थान से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से लगातार आंदोलनकारियों के साथ हुड़दंगई हुई, पुलिस वाले और आंदोलनकारियों में झड़प हुई, उसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कई ऐसे केसेस आपने देखे होंगे, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस ज़्यादती करने की कोशिश कर रही है। वो सरकार की एक कठपुतली बनके और इस आंदोलन को दबाना चाहती है, जबकि उसका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ना कि जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना है उसको डिस्टर्ब करना। कोई भी आंदोलनकारी यहाँ पे आप इतने देख रहे हो, कौन सा ऐसा है जो रकस क्रिएट कर रहा हो या फिर यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो? अब अगर इसी सिचुएशन में भी अगर पुलिस उनको धक्का मुक्की करके या फिर मारपीट करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली वो तो एक केओस क्रिएट होगा ही, जो नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपनी ड्यूटी तरीके से करनी चाहिए थी, बट उन्होंने ऐसा किया तो उसकी वजह से कुछ झड़पें होंगी। दूसरी तरफ ये देखेंगे, एक स्टूडेंट का पैर टूट गया है, वो यहाँ पे आई थी, प्रदर्शन में शामिल हुई थी, और उसके पहले वो लोग कॉलेज में अपने प्रोटेस्ट किए थे, उसी दौरान पुलिस वाले उन्हें जबरन हटा रहे थे, उनका पैर टूट गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मैडम आप ही बताइए ना, अगर इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा तो कौन सी डेमोक्रेसी है? जबरन कैसे हटा सकती है पुलिस? क्या वो लोग वैंडलिज्म कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिसमें माहौल ख़राब हो वहाँ का, तो आप फिर भी आपके पास बहाना होता है कि नहीं जी आप तोड़फोड़ मत कीजिए। लेकिन शांतिपूर्ण लोग बैठे हैं, आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, उसमें भी अगर पुलिस ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करेगी तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी है इस देश में? कहाँ का लोकतंत्र है? वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग धरना देना बंद कर दीजिए, हट जाइए यहाँ से, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये है कि यहाँ से आप लोग धरना मत दीजिए, कार्रवाई करेंगे। खेल मंत्री बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे खेल मंत्री? इस देश में एक बात बताइए ना, पॉक्सो एक्ट में क्या होता है? पॉक्सो एक्ट में ये है कि अगर पॉक्सो एक्ट में कोई केस दर्ज होता है तो सबसे पहले अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? कौन सी जाँच कर रहे हैं इसे? पॉक्सो एक्ट में तो, अगर इस देश में दो कानून है क्या? अगर एक तरफ आप जो आम जनता है उसमें अगर कभी भी कोई पॉक्सो एक्ट का मामला बनता है तो उसमें तुरंत पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद सारी जांच और सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे माननीय जी हैं इसलिए इनको पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच बनाएंगे और हम कमेटियां बनाएंगे। और आपको भी पता है ये कमेटियां सिर्फ है ना टाइम पास करने के लिए करते हैं ये लोग, और केस को डायल्यूट करने के लिए होता है। तो इसलिए खेल मंत्री जी कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये नहीं उठेंगे। तो क्या लग रहा है, इतना देर क्यों लग रहा है गिरफ्तारी में, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में इतना देर क्यों लग रहा है? सरकार और तंत्र बचाने पे जुटा हुआ है जी उनको, इसलिए देर लग रही है। सरकार बचाने के लिए तो बैठी है ना, इसीलिए तो इतनी देर लगा रहे हैं, वरना तो पॉक्सो का बेसिक स्ट्रक्चर है कि उनको गिरफ्तार होना ही चाहिए सबसे पहले। अगर पॉक्सो में कोई केस होता है तो एक्यूज को पहले गिरफ्तार करो फिर बाकी कार्रवाई करो, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार का ऊपर हाथ है उन पर। किस प्रकार का हाथ है आप बताइए? जिस रूलिंग पार्टी का एमपी है वो तो डेफिनेटली पूरा संतर उसको बचाने में जुटा हुआ है, चाहे वो पुलिस हो, सरकार हो, सब कुछ बचाने में जुटे हैं। वहीं ब्रजभूषण कहते हैं अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो खोल दीजिए ना, किसने मना किया है? कौन सी सुनामी आ जाएगी? सुनामी आ जाएगी तो उनका कहने का मतलब ये है ना कि मैं मुंह खोलूंगा तो मेरी पार्टी के और कई सारे नेता उसमें चपेट में आएंगे, वो सुनामी की बात कर रहे हैं। वो एक तरह का एक्सप्लोइट कर रहे हैं सरकार को, बड़े नेताओं को, प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को, हाँ कि मेरे को आप मेरे ऊपर से हाथ मत हटा लेना, वरना मैं जिस दिन मुँह खोलूंगा उस दिन बहुत सारे। कहाँ से आया? मैं देहरादून से आया हूँ। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को कब तक न्याय मिल जाएगा? बहुत जल्दी न्याय मिलने वाला है और बहुत जल्दी न्याय मिल जाता, लेकिन मोदी जी हमारे देश के हैं, वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो मौन हो गए हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो मौन हो गए, मन की बात तो करते हो
गया। अच्छा, अरे भाई ये कैसी मन की बात है जो अभी तक इतने साल, कितने साल सरकार को, 9 साल हो गई, 9 साल में ये मन की बात अभी हुई नहीं। भाई ये कैसा मन की बात है मुझे बताओ तो सही, वो कौन सी मन की बात है जो 9 साल में अभी तक मन की बात पूरी नहीं हुई है? कहा नहीं पूरी हुई, तमाम वादे दावे और मन की बात में तमाम चीजें कहते हैं, खेती से लेके कैसे किसान मजदूर, मन की बात में सबकी बात सुनते हैं। हाँ एक बात पूरी हुई है ना, उन्होंने कहा था ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी हमसे बचाओ, हमसे ये कहा था, वो बात सच हुई है और तो कोई सच हुई नहीं है, यही बात उन्होंने कही थी। बीजेपी कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। हाँ सम्मान में तो है ही, जैसे गाय के मुंह में भेड़िए बैठ जाते हैं खलरा में, उस तरह से ये बाना पहन के और भेड़िए बैठे हुए हैं। कौन भेड़िया है? अरे यही बीजेपी वाले लीडर्स, जो प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहा है, देश का प्रधानमंत्री हो गया है, एक एमपी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है बेटियों के सामने, बेटियों के पास में कोई बेटियों की सुनवाई नहीं है, जबकि बेटी कह रही है, कानून ये कहता है कि बेटी जो कह रही है, लड़की जो कहेगी वो सच है, उसको गवाही की आवश्यकता नहीं है, और जबकि और गवाही भी लड़कियां दे रही हैं, और इस तरह के एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आज तक उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया, अरे उसको तुरंत जेल में डालो। खेल मंत्री कह रहे हैं कि अब धरना हटा देना चाहिए, इन लोगों को FIR दर्ज हो गई। हाँ खेल मंत्री के बाप की सरकार है, खेल मंत्री के कहने पर धरना हट जाएगा, तुम जेल जाओगे, खेल मंत्री नहीं, खेल मंत्री के बाप सही, तुम जेल जाओगे और तभी धरना यहाँ से हटेगा। ब्रजभूषण पे क्या कहेंगे आपकी, लगातार जब बेटियां धरना दे रही हैं और पुलिस और इन आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? एक लोग का सर फूट गया है और एक बच्ची का पैर टूट गया है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, पर पुलिस पर भी शासन का बहुत दबाव है, पुलिस से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई सबके यहाँ बहन बेटियाँ हैं, बहन बेटियाँ तुम्हारी भी हैं, इसको न्याय न्याय मिलने दो और आप इसमें न्याय में बाधा मत डालो, बस। बेटियों का आरोप है जो महिला पहलवान है कि उन्हें गलत तरीके से पुलिस वालों ने टच किया, रात में जब बारिश हो रही थी यहाँ पे पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई, तो बेटियों का बड़ा आरोप है कि दिल्ली पुलिस उन्हें गलत तरीके से टच की, धक्का मारी, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ भीड़ भाड़ में कोई धक्का हो गई होगी, कोई किसी पुलिस वाले को कई बार लगाने की आदत होती है, शराब बराब पी ली होगी, शराब पी रखी थी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहन बेटियाँ सबके यहाँ पे हैं और इसको सही आंदोलन को सही दिशा में चलने दो और सबको न्याय मिलने दो, बच्चियों को, और इसमें पुलिस का हम आभारी रहेंगे, पुलिस का हमको सहयोग की आवश्यकता। बीजेपी की इतनी सारी महिलाएं हैं जो यही बच्चियां जब गोल्ड मेडल लेके आती थी तो बड़े बड़े फोटोज खिंचवाती थी, सोशल मीडिया पे डालती थी, आज वो मंत्री कहाँ है और जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मोह उनके मोह से ले गए और उनका जमीर मर चुका है, उनका जमीर मर चुका है, अब नहीं बोलेंगी वो, क्योंकि उनकी पार्टी की बात है ना, उनका आका जो डॉन है सरदार, उसने मना किया है उनको कि तुम बोलोगी नहीं, इसलिए वो चुप हैं, उनका जमीर मर चुका है और वो एक तरह से गुलाम हो चुकी हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ आई थी, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, इसको कैसे देखते? वो कह रही है मेरे साथ भी गुंडागर्दी बदतमीजी हुई, वो क्योंकि वो सही के पक्ष में है ना, तो वो सबरे चोर जो है ना उगर उगर के आ रहे हैं कि ये जो सत्य बोल रही है, हमारा भी नंबर आएगा, इसलिए उनको अरेस्ट किया है, पर कब तक करोगे अरेस्ट? यहाँ तो एक महिला पालीवाल ना आते, स्वाति पालीवाल, यहाँ तो कितनी स्वाति पालीवाल आने वाली हैं? क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं चेन्नई से इसी प्रोटेस्ट के लिए आया, ये मैं इधर एक हफ्ते से देखा और मैं इसलिए ये बच्चों के लिए मैं इधर आया, और ये जो सरकार है मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी इन्होंने इसको ब्रजभूषण को अरेस्ट नहीं किया। पोस्को में अगर कोई बेटी कहती है, वो एक ही बारी अगर जज सुन लेगा तो उसके बाद तुरंत जजमेंट देना चाहिए, और देश भारत जैसे देश के अंदर एक कैपिटल राज्य में कमिश्नर पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद को FIR होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, उसका टाड़ा में कितना बड़ा गुंडा है वह ब्रजभूषण है।
कितना उसकी बात को 37-38 मुकदमे हैं, 74 से वो क्राइम कर रहा है। उसने भाजपा में बीजेपी में मोदी बोलेगा और आडवाणी ये अमित शाह बोलेगा तभी हम छोड़ेगा बोलता है, तो वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ब्रजभूषण का बयान था कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसे पता है अगर वो लोग बोल के मुझे अरेस्ट करवा देगा तो इन्होंने मिलके कुछ और घोटाला कर रहे, क्योंकि वो भी ये बोल देगा इसी हिम्मत से वो बोलता है। अगर उसके जमीर के अंदर मेरी भी बेटी मेरी बहन उसकी भी बीवी बहन घर में होंगे उनसे कैसे नजर मिलाता होगा? आज पूरा दुनिया उसके पीछे ये शोषण किया करके पूरी दुनिया उनके घर में कैसे खाना खाता होगा? वो ऐसे गलत काम करके ये बेटियां ऐसे अपने आप को आके यहाँ पर मेरे को ऐसे शोषण किया करके नहीं बोलेंगी, सच्चाई के लिए लड़ रही है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रही हैं, जब FIR दर्ज हो गया तो इन्हें हट जाना चाहिए। FIR दर्ज होने के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? अरेस्टिंग करके उनको इस्तीफा करा के जब जेल में डालेंगे तभी यहाँ से हटेंगे। अरेस्टिंग FIR हो जाएगा हम लोग सब हट जाएंगे इधर से, तो उसके बाद तो ये मामले को बंद कर देंगे। जब इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी वो लोग अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ब्रजभूषण तो ऐसे ये भी झूठा है और मोदी जी वो भी एक नंबर के, जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ करके बोलते बेटी यहाँ बैठी है एक मिनट के लिए आके वो यहाँ पर उसके लिए बोले नहीं। अगर दूसरे पार्टी का होता तो अभी तक वो अरेस्ट करके जेल में डाल दिया होता। तो ये इन लोगों का एक पॉलिटिकली मतलब ना, ये बीजेपी अब मोदी को क्या है वहाँ पर कर्नाटका में है उनकी वहाँ पे हार हो रही है करके वहाँ भी उन्होंने एक प्रधानमंत्री, मैं आज बताना चाह रहा हूँ एक देश का प्रधानमंत्री जो देश में जितना प्रॉब्लम है उसको बोलने से ज़्यादा वो कहता 91 टाइम मुझे गाली दिया करके एक विक्टिम कार्ड खेल के रो रहा है। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो देश के सामने आके रो रहा है मुझे गाली दिया? देश के लिए मैंने क्या नहीं किया? एक अच्छे अच्छे आज तक अमित शाह का कोई अच्छा सा एक स्पीच नहीं है देश के बारे में, आप ढूंढ के देखना एक अच्छा स्पीच विकसित करने के लिए विकास करने के लिए देश के लिए एक स्पीच नहीं है। वो ऐसे तोतलेपन से बोलते हैं ये लोग, ये ऐसे लोग झूठे लोग देश को चला रहे हैं और लोग ऐसे भ्रम में लेके इन्हीं को वोट देते हैं। इनको आओ चोरी करो और हमारे ऊपर ही राज करो करके क्या कहेंगे देश की जनता को? क्या कहेंगे आप देश की जनता? मैं चाहता हूँ ये जो प्रोटेस्ट है इसे खत्म नहीं करनी चाहिए। इंडिया से सारे लोग इधर आना है और उसको न्याय दिलना है ब्रजभूषण शर्मा को। जो FIR हुई है, जो कानूनन FIR हुई है, उसके खिलाफ उसको जेल में डालना बहुत जरूरी है। तब तक ये आंदोलन को, ये प्रोटेस्ट को खत्म नहीं करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो देख सकते हैं लगातार लोग धरने पे बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तय हो, ये लोग तभी धरना से हटेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।